बोर्ड मास करूं, पता नहीं चले बोर्ड मास होता क्या है। बीस मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एड, एस मीन्स सब्ट्रैक्ट। अब ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप के होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप के। और ऑफ का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई। डिवाइड का साइन होगा आपके पास मल्टीप्लाई का साइन, एड का साइन और सब्ट्रैक्ट का साइन। साइन तो आप सबको पता ही है। अब ब्रैकेट देखो, फर्स्ट ब्रैकेट होता है सिर्फ ऊपर लाइन लगी हो, सिर्फ ऊपर क्या हो? लाइन लगी हो, तो इसको क्या बोलते हैं? वार्जर पिनिकुलम। इसको बोलते हैं वार या फिर पिनिकुलम। इसके बाद आता है आपके पास बड़ा ब्रैकेट। देखो बड़ा है, देखने में कैसा दिखाई दे रहा है? बिग ब्रैकेट है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, या तो बिग ब्रैकेट बोल दो, बिग ब्रैकेट, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आता है इससे छोटा, जिसको अपने बोलते हैं कर्ली। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। जब ब्रेसेस और कर्ली, और फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल, या फिर इसको बोल सकते हो आप पैरेंथेसिस। तो ब्रैकेट के जो आपके पास फोर टाइप हो गए, मैंने कहा वर्ड मास रूल, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स ऐड, एस मीन्स सबट्रैक्शन। इसी ऑर्डर के अंदर अपने को सिंपलीफाई करना है। इस साइड से चलने, साइड तक आने, मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ सिंपलीफाई करते हुए अपने क्वेश्चन को चलना है। फिर ब्रैकेट में फोर टाइप आ गए। पहले लाइन जो लगे हो उसको बाद है बिनिकुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वार्जर बिनिकुलम। फिर बड़ा ब्रैकेट होता है इसको जो आपको स्क्वायर के टाइम में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। फिर बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इसके बाद आता है इससे जो छोटा होता है, इससे छोटा बिग ब्रैकेट क्या होता है? मीडियन होता है। इसको बोलते हैं ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। और फिर आता है स्मॉल, स्मॉल बोल दो या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब इनका जो सिंपलीफाई करने का ऑर्डर है वो इसी ऑर्डर में रहेगा। पहले सबसे पहले अपने कौन से ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे? बात को, फिर बिग को, फिर रोल। बता दिए, 1 मिनट। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे, फिर इधर से चलना है छोटे से बड़े की तरफ, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर बिग ब्रैकेट, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे। ये आपका जो ऑर्डर है वो सिंपलीफाई करने के रहेगा। अब अपने देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1A। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपलीफाइड। फर्स्ट का फर्स्ट है 48 डिवाइड बाय 5 प्लस 7। अब देखो इसमें ब्रैकेट आ गया, पहले ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे। एक ही ब्रैकेट है, कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट।
अपने सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, 48 डिवाइड बाय, अब क्या साइन है इसमें, 5 प्लस 8 मींस 12, ब्रैकेट सिंपलीफाई आ गया, आंसर आ गया 12। अब 48 में किसका डिवाइड कर ले, 12 का, 48 प्लस 12 का डिवाइड किया, 12 4 जा 48, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा इसका सिंपलीफाई करने के बाद। सेकंड मींस बी, ये था इसका ए पार्ट। 20 माइनस 4 बाय 6 माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट माइनस 3, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे, 20 माइनस 6 मींस 4 गए 2 कर्ली ब्रैकेट माइनस 3, अब फिर कर्ली ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे, 20 में से 2 गए 18 माइनस 3, अब वो का साइन एनी होने सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, 18 में से 3 गए 15, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 15। सी 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 6 माइनस 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है 12 ब्रैकेट, पहले बात को सिंपलीफाई करेंगे, 9 प्लस 9 प्लस इसको बार बार को सिंपलीफाई किया 3 प्लस प्लस, देखो 6 माइनस 2 के ऊपर बार बार टाइम मींस इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे, 6 में से 2 गए 4, आफ्टर कौन से फैक्टर को सिंपलीफाई करना है स्मॉल को, तो 9 प्लस 3 और 4 कितने हो गए 7, 9 प्लस 7 कितने हो गए 16, आपका आंसर आ जाएगा 16। डी पार्ट इजी अपने आप कर लेना, ए भी अपने आप करोगे, एफ भी अपने आप करोगे, जी जी थोड़ा सा बढ़ा रहा है, मैं करवा देता हूँ आपको, 9 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 36 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे, 9 प्लस 36 माइनस 2 कर ले 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट को सिंपलीफाई किया 6 में 2 गए 4 कर ले स्क्वायर, 9 प्लस 36 माइनस 2 कर ले ब्रैकेट को सिंपलीफाई किया 9 और 4 9 और 4 ऐड करने हैं कितने हो गए 30, कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया, अब करेंगे बड़े ब्रैकेट को 9 प्लस 36, पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, 32 जा 26, सर मैं क्यों रुक रही है बीच में, मल्टीप्लाई को सिंपलीफाई किया 32 जा 26, अब अपने स्क्वायर ब्रैकेट को सिंपलीफाई करते हैं, 9 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 36 माइनस 26, 36 में 26 गए 10, अब क्या रहेगा एडिशन, तो 10 और 9 कितने हो गए 19, आंसर आ जाएगा इसका 19, मींस सबसे पहले आपने क्या रिमूव किया स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर इसको सिंपलीफाई किया था और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव किया है और सबसे लास्ट में आपने इसको क्या किया ऐड करके सिंपलीफाई करके आंसर आ गया 19। नेक्स्ट एच 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस कर्ली 2 माइनस 2 माइनस प्लस के ऊपर क्या है विनिकुलम या बार ब्रैकेट स्मॉल कर्ली स्क्वायर,
तो सबसे पहले किसने सिंपलीफाई करेंगे पहली कॉलम को, 2 माइनस 2 कर ली, 2 माइनस 2 माइनस 1 पे कर ली है ट्रिपल, इसको सिंपलीफाई किया 2 में से बन गए 1, यहां पे क्या आ जाएगा 1, स्मॉल ब्रैकेट में था ना इसमें। थोड़ा सा 2 माइनस 1 तो बहुत था, अब इसको सिंपलीफाई किया 2 में से बन गया 1, फिर कौन से को रिमूव करेंगे स्मॉल को, 2 माइनस 2 माइनस कर ले, 2 में से बन गया 1, फिर किसको रिमूव करना है कर ले को, सर रुक रहा है अभी बीच में, तो अब कर ले को फिर सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर माइनस कर ले को सिंपलीफाई किया 2 में से बन गया 1, फिर स्क्वायर को सिंपलीफाई किया 2 माइनस 2 में से फिर बन गया 1, और टर्म में सब्ट्रैक्ट किया 2 में से बन गया 1, इसी तरह आगे बढ़े। एक और सवाल करा देता हूं मैं, जी आपको इसका सही पार्ट, टेन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 2 स्मॉल कर्ली स्क्वायर। अब देखो बोर्ड मास भी मैंने ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सिंपलीफाई करेंगे फिर ओ आएगा, ओ बाद में आएगा, 10 और 15 माइनस कर ली 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट अपने रूम किया पहले तो 3 में शुरू में 1, 10 और अब कर्ली को रूम करेंगे 15 माइनस 7 प्लस 1 कितने हो गए 8, फिर इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को 10 और 15 में से लेंगे 7, और मैंने बता दिया कि और का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, 10 7 जा 70, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 70। ओके इसी तरह आपके फर्स्ट के जो पार्ट्स बच गए अपने आप सिंपलीफाई करोगे। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज ब्रैकेट टू राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपने इस तरह उसको क्वेश्चन को राइट करना है, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल में चेंज करना है। फर्स्ट है 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6, देखो क्या लिखा 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6, का प्रोडक्ट हो गया ब्रैकेट लगा दिया, 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट 10, तो जैसे क्या हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी स्टेटमेंट में। उसने बोला है 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 के प्रोडक्ट से इसको क्या करना था सब्ट्रैक्शन करना था। सेकंड ये था ए पार्ट आपका, सेकंड का बी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 लेस देन द सम ऑफ 7 एंड 3, फोर को मल्टीप्लाई करना है वाई किससे 1 लेस देन द सम ऑफ 7 एंड 3, 7 एंड 3 के सम में से क्या लेस करना है 1, और उसको क्या करना है इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आएगा कर लेना 4 से मल्टीप्लाई करना है। सी 4 मल्टीप्लाई इधर लगाओ चाहे इधर लगा दो कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा,
20 डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 3, डिफरेंस किस तरह ऐड करें, 7 एंड 3 7 डिफरेंस किस तरह ऐड करोगे, सबट्रैक्ट से 7 एंड 3 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ 7 एंड 3 B. Nessie had 16 marbles. Nessie के पास कितने marbles हैं? 16. हर brother gave her 15 marbles more. उसका जो brother है वो उसको 5 marbles और ज़्यादा दे देता है. C. served all the marbles with her 5 friends. वो कितने में उसको divide करना चाहती है? 5 friends में. How many marbles does each have? तो प्रत्येक के पास कितने marbles आएंगे? जैसे statement वाला question ही हो गया आपके पास. इसमें वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी आपको. डी पार्ट सेकंड पार्ट, नैन्सी हैव ए मार्बल कितने हैं? 16. हर ब्रोकर गिवन मार्बल कितने? 15. नाउ टोटल मार्बल ऑफ नैन्सी कितने होंगे? 60 प्लस 15 75. सी साइड All the marbles with her five friends. वो अपने इसको किसमें divide करना चाहती हैं? Five friends में. According to person, seventy five को किसमें divide करना है? Five friends में. 75 divide by 5. अब 75 में 5 का divide किया, 15 five से क्या होते हैं? 75. तो each friend के पास कितने marbles आ जाएंगे? 15 marbles आ जाएंगे. लास्ट पार्ट, नेहा बॉट 10 टॉफीज, सी गेव 5 टॉफीज टू एलाइस एंड 2 टॉफीज टू एंडी. नेहा बॉट टॉफी कितनी? 10. टोटल उसके पास कितनी है? 10 टॉफीज है. उसने लास्ट को कितनी दे दी? 2 एलाइस कितने? 5 एंड गिवन टू एंडी को कितनी है? 2. ओके, तो अब उसके पास मार्क्स कितने बचे वो पूछ रहे हैं. तो अपने इसी को अपने क्या लेंगे? मैथमेटिकल इक्वेशन में राइट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टोटल कितने से? 10. उसमें से 5 और 2 उसने क्या दे दी? 5 प्लस को दे दी और 2 एंड को दे दी ना. इसको अपने ब्रैक में लिखेंगे 5 प्लस 2 मींस 5 और 2 7 और 2 फिर उसमें से दे दी. तो वो पूछ रहा है उसके पास लेफ्ट कितनी है. पहले अपने स्मॉल ब्रैक को सॉल्व ब्रैक करें. 10 माइनस 5 और 2 कितने हो गए? 7. 10 में से 7 गए 3. तो आपका आंसर आ जाएगा 3 टॉपिक्स हैज लेफ्ट. नाउ नेहा has left trophy कितनी आ चाहिए उसके पास? 3. इसी के साथ आपकी 3.1 कंप्लीट होती है. 3.1 के जो सेकंड क्वेश्चन थे मैंने आपको मैथमेटिकल बढ़ा के छोड़ दिए थे, उसको आपको सिंपलीफाई करके आंसर में राइट करने हैं. जैसे इसका आंसर आज भी आया था सिंपल वाला क्वेश्चन, उस तरह के आंसर में राइट कर लेना. मैंने आपको मैथमेटिकल राइट करके छोड़ दिए थे.
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।